मुल्तान के बाद रुकते हैं मौलाका, जहां गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, इसके हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। बौना में गर्मी और रमजान मुबारक शुरू होते ही बिजली की आंख मचोली जारी है। बौना शहर अमीनपुर बंगला अड्डा जामाबाद और गिरदोनवा में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। हर एक घंटे के बाद दो घंटे बिजली गैब तबील और गैर इलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। इस हवाले से शहरियों का कहना है, रमजान का चांद चढ़िया, बिजली जड़ी है ना होने के बराबर है। एक घंटा आमदी है ते दो घंटे चली जाती है। असी बहुत परेशान है, शहरी वास्ते भी अफतारी वास्ते। रात नू मच्छर जरा बच्चों तंग करता है, असी पखे ला के उन्होंने जल्द हैं, कारोबार हैं तो ठप हो गए नो। लिहाजा आला हुकाम असी गुजारिश करते हैं जो यदा कोई ना कोई निज़ाम बनाया जाए, जिस नाल कोई शेड्यूल हो बिजली इस घंटे आनी है इस घंटे नहीं आनी। के लोड शेडिंग होने की वजह से हमारे बच्चे मच्छरों की वजह से जलीलो ख्वार होते हैं, कारोबारी जिंदगी भी बुरी तरह मुतासर है। बदतरीन लोड शेडिंग शुरू करके लोगों को जहनी मरीज बनाया जा रहा है। बौना के शहरियों ने आला हुकाम से गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, बौना।